कार्तिक नहीं आया। कार्तिक जी दादी। बेटा जल्दी मंदिर चलो, पूजा का समय हो रहा है। दादी मैं भी चलूंगी, मैं भी करण भैया के लिए दुर्गा माँ से प्रार्थना करना चाहती हूँ। अच्छा बिटिया चलो। नंदिनी बेटा दिया नारियल सब सामान ले लिया ना? जी दादी, हमने सारा सामान गाड़ी में रखवा दिया है। दरवाजा खोल जल्दी से। अच्छा सुन एक काम कर, ये दरवाजा अच्छे से अंदर से बंद कर देना और पीछे के दरवाजे से मुझे बाहर मिलना। हाँ जी बुआ जी। खुश हो गई? ले आई मैं तुम्हें मंदिर। हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे बुआ जी। अब विद्या है ही ऐसी, हमेशा अच्छाई और सच्चाई का ही साथ देती है, फिर चाहे वो दुश्मन के साथ ही क्यों ना हो। अब जाओ जल्दी से पूजा कर लो और मैं बाद में तुम्हें यही मिलूंगी। और हाँ, घर वालों से बच कर रहना। जी बुआ जी। ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति न देवी माँ, करण जी जहाँ कहीं भी हो अच्छे हो। नंदिनी बेटी जाओ नारियल चढ़ाओ। अरे मैं नारियल लाना तो भूल ही गई गाड़ी से। मैं अभी लेकर आती हूँ। सुमन तो आंखें बंद करके जाने क्या प्रार्थना कर रही है, अगर माँ ने उसे देख लिया तो मेरे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। कार्तिक चाबी दे। विद्या तू यहाँ कैसे? हाँ वो क्या है ना, घर पर मन नहीं लग रहा था, बार बार मंदिर दिख रहा था, सो दर्शन करने आ गई। अरे तो हमारे साथ आ जाती। ठीक है ना माँ, आ गई ना। वैसे पूजा छोड़कर आप कहाँ जा रही हैं? अरे वो नारियल में गाड़ी में भूल आई, उसे ही लेने जा रही हूँ। नहीं नहीं आप पूजा कीजिए, मैं लेकर आती हूँ। हाँ? अच्छा Thank you.
विद्या गई है लेने के लिए नारी। चलो बेटा घर चलो। विद्या तू हमारे साथ मंदिर तो आई नहीं, अब हमारे साथ घर चलेगी या नहीं? हाँ हाँ अम्मा, क्यों नहीं, आपस चलिए ना, मैं अभी आती हूँ। लेकिन पूजा तो हो गई है। अम्मा बस थोड़ी प्रार्थना और करनी है। बाल बच गए तो अब जल्दी से पूजा खत्म करके नीचे आ जाना, मैं नीचे ही तुम्हारा इंतजार करूंगी। और हाँ, अगर पकड़ी गई तो किसी से मत कहना कि मैं तुम्हें चोरी से यहां मंदिर ले आई थी। तू जितने भी पूजा कर ले सुमन, लेकिन तेरा दुर्भाग्य टल नहीं सकता। मेरी मेहरबानी से तेरे जीवन का सबसे बुरा वक्त अब शुरू होता है। बिटिया मंदिर बंद हो गया है, रात बहुत हो चुकी है, अब तुम घर जाओ। बुआ जी, बुआ जी कहाँ चली गई? कहीं बुआ जी घर तो नहीं लौट गई? हे देवी माँ, अब हम क्या करेंगे, हम घर कैसे जाएंगे? मैं तो घर का रास्ता भी ठीक से नहीं पता है। और इतनी रात भी हो चुकी, अगर घर वालों को पता चल गया कि हम घर पर नहीं है तो? आज मंदिर की पूजा में जाकर मन को बहुत शांति मिली बेटा, बेचैनी थोड़ी सी कम हो गई। हाँ दादी माँ, मन बहुत हल्का लग रहा है। नंदिनी जी, थोड़ा सा प्रसाद आप सुमन जी को भी दे दीजिए। जी हम अभी देकर आते हैं।
कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, वरना हम लोग पीछे के दरवाजे से जाके देख ले। कार्तिक तू रहने दे। अम्मा कोई बात नहीं होगी, बस महारानी घोड़े बेच कर सो रही होगी। आप जाकर आराम करिए ना, मैं प्रसाद दे दूंगी। चलो अंदर चलो। चल कार्तिक। मैं जानती हूँ कार्तिक, तुम्हें उस मनहूस की बड़ी फिक्र रहती है। वैसे मैंने अपना आखिरी खेल खेल लिया है। ऐसा जाल बिछाया है जिसमें फंसकर कहीं की नहीं रहेगी सुमन। कल का सूरज काला सूरज बनकर उदय होगा और ग्रहण बनकर निगल जाएगा उसे। तैयारियां सब हो चुकी हैं जी, तो घर के सब लोगों को बुलवा लीजिए तो शांति पाठ भी जल्दी खत्म हो जाए। जी श्याम बहादुर जी, सबको बुला लाओ शांति पाठ के लिए। सुमन नहीं आई है? श्याम बहादुर जाकर बुला लो। सुमन दीदी, शांति पाठ का समय हो गया है, जल्दी आ जाइए। सुमन दीदी, ये तो ठाकुर साहब के पोते की विधवा है, पर ये यहां रात भर क्या कर रही थी? घर वालों ने भगा दिया होगा। अरे हो सकता है कि ये खुद ही भागकर आ गई हो। अंदर की बात है भाई, या तो कुछ जानती हो या इसकी ससुराल वाले। कोई ना कोई बात तो जरूर है, नहीं तो ये इस तरह से सारी रात यहाँ पर नहीं गुजारती। क्या हुआ, सुमन नहीं आई? सुमन को जल्दी बुलवा लीजिए, उनको बोलिए कि उनके कारण शांति पाठ रुका हुआ है। कहीं उनकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई? श्यामा तो तुमने उनको आने को कहा था ना, तो उन्होंने क्या कहा? भैया जी दीदी कुछ नहीं बोली, दरवाजा अंदर से बंद था तो हम उनको बाहर से ही कह के आ गए आने को। अम्मा
मैं जाती हूँ, अभी लेकर आती हूँ उसे। जाने क्या बात हो गई, सुमन आने में इतनी देर तो नहीं लगाती कभी। सुमन जी की तबीयत तो ठीक है ना? अब विद्या गई है, सुमन आएगी तो पता चलेगा। अम्मा, जिस बात का डर था वही हुआ। क्या हुआ? सुमन गाय घर में नहीं है। अंदर से बंद करके पीछे के दरवाजे से भाग गई है वो लड़की। ये क्या कह रही है विद्या तू? तूने पूरा गाय घर अच्छे से देखा? हाँ माँ, सारा गाय घर छान लिया, वो कहीं नहीं है। ठाकुर साहब, ये रही आपकी बहू।